Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. कैसे बनी थी राजा की रानी? सॉरी ताई जी. सिद्धी सी गल है जिया, जब तक इसके चौकटे पे से ये नीला निशान नहीं जाना ना, मेरा दिल साफ नहीं होना. इस बारी ना सीधा हाथ मेरे कलेजे पे पड़ा है. तुमको तुम्हारे मरहूम शोर की मोहब्बत का वास्ता, हमको बचा लो, अपनी बीवी को अपनी बेटी को बचा लो बेवा होने से. अरे जलाल मियाँ, क्या और फॉल बोल रहे हो तुम? हमारे ताजी और मोरे पहुँच गए, प्लीज हमें बचा लो वल्ला, प्लीज. आपकी ताजी? हमारा तारीफ छोड़ो, तारीफ उस खुदा का जिन्होंने इनको बढ़ाया है. माशाल्लाह चश्मे बतूर. नाम तो आपका दरिया खान है, लेकिन आप आए हैं समंदर की तरह ठाटे मारते हुए. ऐसे रोमांटिक मैसेजेस. वो यूनिवर्सिटी वाली ना, जो यूनिवर्सिटी की तरफ लट्टू थी, और जब से तेरी शादी के बाद चला है वो तो उसकी तो नींद ही हराम हो गई. और कितनों की तो नींद हराम की है तेरे भाई ने यूनिवर्सिटी में. तू एक बारी रिश्ता मंग के ते वेख, जे मैं इनकार करा ते थां भर जावा. अच्छा जी आइए. जलुका ना आइए, आराम करने दे. राजा 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 प्रिय दे राजा राजा मरे देखने इसको राजी तुम राजा. मैं खाली चेक करती हूँ उसका. चलो चलो राजा. खुदा का कसम वाला जान इधर रुका हुआ था. मैं भी फोन कर कैरसल को बुलाता हूँ, मैं नाइट ड्यूटी नहीं दे सकता जलाल भाई. वो जमशेद वो परेशान को इधर बोला, उसको बोलो मिट्टू के साथ आ जाए. अकल से काम ले जलाल भाई, वो दादी का कुछ पता नहीं है, किस वक्त वापस आ जाए. अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं पता, आवाज आ रही है कुछ नहीं. लेटे मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ. परिजान इधर आओ, एसी का ठंडा माहौल है, साथ में क्रिकेट मैच है, और क्या चाहिए जलाल खान दाजी. खाला जी आपकी ना ती का हाथ मांगना है. मैं ना उसे खुशियों की सेहत भी दूंगा और उसको इतना खुश रखूंगा कि उसे जिंदगी में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं. नसर नहीं यार, अंधी हो गई है मैं. मुझे क्या पता इसके अंदर कौन है, एक जैसे बुरके पहनती हैं आप माँ बेटी दोनों हैं, क्या पता इसमें कौन उसमें कौन. मेरा बात खोर से सुनो मिट्टू, मुरे को कल दी से भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी नाम मिट्टू, वरना दाजी तुम्हें मार देगी. मैना जी मैं पौंतरा थोड़ी गया हूँ कि मैं आपके दाजी को बता दूंगी मैं मिट्टू हूँ, वरना वो मुझे गोली से ना मार दे. हैं और सब बातों को परा करो, तो मुझे ये बताओ कि वो क्या बना अस्पताल का मामला है. दाजी का गुस्सा कम तो है, बेचारी परेशान भी है जलाल मामू के लिए. चलो मैना जी शुक्र है, मगर एक गल है मैना जी, ऐसा कुछ करो कि 10-15 दिन तक आपके जलाल मामू ना अस्पताल में बंद हो जाएं. गलत बात है. और मिट्टू हमें तुमसे एक बात भी करना है, प्लीज माइंड नहीं करना. बस मैना जी कोई ना अब बैड न्यूज मत सुनाना मिट्टू को. मिट्टू हमने तो भी अपने दिल से निकाल दिया, तुम भी निकाल दो. खा मुझे क्यों निकाला? क्योंकि मिट्टू शरीफ तुम्हारा बेबे ने बोला कि मैं ना से मोहब्बत करूं, और हमारा बेबे ने बोला कि मिट्टू से नफरत करूं. मैना जी मैं बताता हूँ आपको, अपने मोरे की बात मत मानो. ना मिट्टू अब मजबूर है, ना बेबे का ना परवानी नहीं कर सकता, भूल जाओ हमें मास्टर. मैना जी गलत सुन. खिला खिला आंसू आंखों में बंद,
बेबे दी सौ मैनू मैना पसंद भेजा है क्या बदतमीजी है ये गलती से हो गया इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है कहती है तो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देता हूँ फोन से हम एक दूसरे की जिंदगियों से डिलीट हो रहे हैं तो तुम्हें नंबर डिलीट करने की पड़ी तो इग्नोर कर दो जिया वेरी सिंपल इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है ये जो तुम्हारी सारी चलाकियां ना अरसल और तुम्हें लग रहा है कि ये किसी को नजर नहीं आ रही ये सब मुझे नजर आ रही है और समझ भी आ रही है तो कह दो ना जलन होती है तुम्हें बुरा लगता है नहीं सह सकती मेरा इस तरह किसी के साथ बात करना किसी और लड़की से नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जाओ जाकर किसी से भी फ्लर्ट करो घूमो फिरो डिनर्स करो आई डोंट केयर मुझे फर्क नहीं पड़ता जाहिर है फर्क तो वहां पड़ता है जहां मोहब्बत का रिश्ता हो हमारे बीच तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं है ना तो मान लो वो महज एक गलत फहमी थी मैं तो मान लूंगा जिया तुम भी अपने आप को यकीन दिलाओ मैं खुद को यकीन दिला चुकी कि हम महज अच्छे क्राइम पार्टनर्स थे और बहुत अच्छे दोस्त थे और कजिन्स थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं तो ये बात आंखें चुरा कर क्यों कह रही है आंखों में आंखें डाल कर क्यों ना मैं आंखें नहीं चुरा रही हूँ बल्कि तुम ये बकवास मैसेजेस भेजकर आंखें चुराने वाली हरकतें कर रहे हो जिया जब तुम ये जगह ये शहर ये लोग यहाँ तक के मुझे हम सबको रिप्लेस कर सकती हो तो मैं भी इंसान हूँ मुझे भी रिप्लेसमेंट चाहिए मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे मेरी मोहब्बत को समझे मेरी साथ ही फजूल जिद ना लगाए तुम्हें पता है असल जमशेद अली इस दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट है सिवाय मोहब्बत के और इंसान जिद तभी लगाता है असल जब उसे मान होता है कि दूसरा उसे मना लेगा छोड़ो तुम बस खुश रहो अपनी नई चाहत में सुनो गुड बाय तुमको सुनाई थी हमने कहानी कैसे बनी थी राजा की रानी कहा चंदा यासिर मुझे लगता है तेरा आइडिया काम कर गया हाँ बेचारी लेकिन रो रही थी लेकिन अब आएगी लाइन पर मैना जी भला बंद कमरे में कौन बुरका पहनता है कोई जवाब ही नहीं मैना जी वैसे करेंगी आप अपने मिट्टू के साथ मिट्टू ना मर जाएगा मैना जी वैसे तो मिट्टू ने ना बथेरी मोहब्बतें की ऊपर ऊपर से हॉबी थी मेरी ना क्या कहते हैं उसे दिल पिछाड़ी पर आपकी दफा बड़ी दिल की गहराइयों से की है बिल्कुल आपकी आंखों की तरह
इतनी गहरी कि बंदा एक बार डूब जाए तो बच के निकलने के सारे चांस डूब जाते हैं। उसे एक ही चांस है, पूछो भला क्या। मैं ना मिट्टू का हाथ पकड़ के आंखों में ग्लेर डाल के ना उसे एक लाइन बोले, मैं सारी की सारी तेरी। बेटा तब जाए क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा नवा कट्टा खोल लिया, क्यों ढोल की तरह पीटी जा रही है बच्चे को, छोड़ से बेटा तब जाए, पागल तो नहीं हो गई है, चल निकल यहाँ से। मैंने की स्टोरी चलाई यहाँ पे, देखो बस कर दे पुत्र, बस कर दे, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरे। अच्छा बस देखे ना आगा जी, पड़ोले की तरह मुंह सजा दिया है मेरे पुत्र का उस जालिम औरत ने। वो तो छन्नू अगर मौके वारदात पे ना पहुंचती ना तो उस मैना की माँ ने गिच्ची में रोड़ के रख देनी थी इसकी। हाँ तो ये दादागिरी करने तो आए हैं हमारे घर पे बाप बेटी। पर मिट्टू को क्या जरूरत थी कि मैना के कमरे में जाए। अरे बीछान, मासूम बच्चा अगर कमरे में चला गया तो क्या हो गया, कौन सा हमसाए मुल्क के बॉर्डर पर पहुंच गया था जो फौरन बमबारी शुरू कर दी। रो रो के अखा सुजा ली इसने। बस करते पुत्र, पेशावर से ना डैन आ गई है खून पीने हमारे बच्चों का। बेटा दरिया खान का खानदान पर्दा करता है इसलिए बुरा लगा है उन्हें। हाँ तो हमारे खानदान की औरतों की कोई इज्जत नहीं है, इस कदर धड़ल्ले से ताड़ते फिरते हमारी औरतों को ये बाप बेटे। शाहजहां ये तुम पर्सनल नहीं हो रहे। हाँ तो पर्सनल होने की बात है ये मुमताज जहां, हद हो गई। यानी कि भाई तुम जाके ना उस मैना को और उसकी माँ को अच्छी तरह समझा दो ये बात कि अगर यहां रहना है तो शराफत से रहे वो, वरना हमारे घर की तमाम औरतें पर्दा करेंगी, तमाम औरतें पर्दा करेंगी, उस दाजी से भी और जलाल से भी। हाँ जी। लो ये नया शोशा छोड़ गए बड़े मियाँ। देखो बेटा परवीन, तुम भी जरा समझदारी से काम लो और समझाओ अपने बेटे को। अब बीजान, खान साहब ने तो खुद वादा किया था और अब तो बच्चों का भी जहन बन गया है। छोड़ो उसको, इतना वादे का पास होता ना तो अस्पताल में छुप के ना बैठ गया होता। बस करते, बस कर, बस अभी सेक देती हूँ। वो भीजा ना, देखो मार मार के निशान डाल देते ने, गंदी हालत कर देती है मेरी। अल्लाह पूछे जालिम औरत नू। अभी दिखाते दे मैं। हो गया पुत्र, हो गया। हाय ये तो वाकई बहुत बेदर्दी से मारा है। परवीन बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं खुद बात करूंगी दरिया खान से। देखे भी जान, आप ना अपनी जबान में समझाते हो दरिया खान को, नहीं तो दरिया को बंद बांधना चंगी तरह आता है परी को भी, बता दे उसको। तू तो बस कर, अखा सुजा लिया ने, चल मेरा पागला आ जा, मैं सेक दूं तुझे, आज हल्दी वाला दूध भी पिलाती हूं। शुक्र है बेटा, नील तो खत्म हुआ। बीजा जख्म जितने भी गहरे होना भरी जाते हैं। अरे जिया ये कहाँ जा रही हो तुम नजर बचा के, इधर आओ ना बेटा। जी पीछा। देखो बेटा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, घर मेहमानों से भरा पड़ा है, शाहना की तुम मदद कर दो। छो बीजान, एहसास दिलाने से भी कभी किसी को एहसास हुआ है। मुझे ये बताया जलाल भाईजान के पूरे टब्बर के लिए क्या नाश्ता बनाना है। बेटा कुछ भी बना लो, लेकिन जिया को अपने साथ मिलाओ, तुम्हारी मदद कर देगी। जिया को रहने दो तुसी, और तू उठ सल्लू पुत्र, जा अस्पताल पहुंच फौरन। माँ क्या माँ? तेरा बाप ना रात से कूके मार रहा है, जा वहाँ जाके अस्पताल से अपने फूफा को डिस्चार्ज करवा, ताकि तेरे प्यो को ना सुकून आए, और खुद भी उठ जाके फैक्ट्री जा, बहुत तूने घर में मंजियां तोड़ ली है। जाता हूँ माँ। ताई जी मुझे बता दे नाश्ते के लिए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। रहन दे जिया पुत्र, मैं कर लूंगी आप पे। अच्छा भाई मैं भी जाऊं जाके नजाकत से बात करूं, बिजली का क्या मसला पड़ा हुआ है।
हाँ यसरा, हाँ हाँ नहीं नहीं याद है मुझे तुम्हारा काम यार, क्यों फिक्र कर रही हो? हाँ हाँ प्रॉमिस कर दूंगा। हाँ बस मैं घर से निकल रहा हूँ, फिर ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं। हाँ हाँ मोरे खुद है तपारा मोरे, मिट्टू वाला बात दाजी को नहीं बताना खा। लूरे एक शर्त पर। खा जो भी शर्त है बोलो। तुम अपना सारा सामान पैक करो और हमारे साथ वापस पेशावर चलो। ना मोरे, हमारी एमए उर्दू का क्या होगी? खुदा ही दे एमए गर्ल की। हमने तुमको यहाँ बेहयाई का तालीम नहीं दिलवाना, पोश हुई? खा खा ठीक है, जाएगा पेखबर, लेकिन उस बदनसीब खान से शादी नहीं करेगा। अच्छी नहीं लगती हमें नस्बार की दुकान। बाखुदाई फिर हमको मिट्टू वाली बात दाजी को बताना पड़ेगा। मोरे किसे समझाए तुम्हें? ठीक है फिर, एक ही लोरे तुम्हारा, एक ही बेटी, उससे भी आज दो बेटोगे। खुद ही नो वाला था सवे। किंजा मेरी जान, अब तुम्हारे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जरमीने पुप्पो से पूछ लो, ये बात करो। जा माड़ा, पुप्पो को शादी पे तो याद नहीं किया, अब हमसे बात कराने का भी जरूरत नहीं है मासूमा। कसम ले ले, मैंने तो जलाल को बहुत कहा था, लेकिन उन्होंने को... लाला का तो खून सफेद हो गया तुमसे शादी बनाकर। वो तो सगे बहन भाइयों को पहचानने से इनकार ही है। किंजा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, आप अभी गुस्सा छोड़ देना, नाश्ता भी रेडी है, दादी सबको बुला रहे हैं ड्राइंग रूम में, चले ना। रजा का नाराज। रुको, सादर था पसेर का, उधर सारा गैर मर्द घूमती। अरे अरे ये आप क्या कह रही हैं, ये तो सारे अपने घर के ही लोग हैं। नहीं नहीं हमारे अपना लोग पेशावर में। हाँ पसर को मसादर राजा। अरे कैसी बातें कर रही हो यसरा, तुम चूड़िया पहनो और मैं ना देखूं। ये जैस सुपर 4G का डेटा किस दिन काम आएगा, अभी वीडियो कॉल मिला रहा हूँ। हाँ क्या बात है, नहीं वो दूसरी वाली चूड़िया पहनो, वो वाली, ये लगी ना अच्छी, मुझे पहले ही यकीन था कि तुम पे ये चूड़िया बहुत अच्छी लगेंगी, एक पिक्चर तो लेके भेजो। हाँ क्या बात है, ब्यूटिफुल Beautiful, beautiful. یو خبر درت کوما ممتاز بیگم آب. ویسے پورا پیخاور میں ہم نے آپ جیس سمجھدار عورت تو بالکل نہیں دیکھی ہے. ماشاءاللہ پیشاور میں عورتوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی کر لیا کیجیے خان صاحب. یہ ہمارا مطلب خونی یار یہ سب بات کر رہی ہے، ہمارا مطلب ہے کہ اتنا عقل مندی کے ساتھ یہ پورا گھرانہ کو، پورا خاندان کو ساتھ لے کر چلتی ممتاز بیگم. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال بھی دیا کرتی. او شاہجہاں کب میں نے نکالا کسی کو گھر سے؟ گھر سے نہیں نکالا، دل سے تو نکالا نا. अरे भाई जमशेद कहाँ रह गया, जलाल को लेकर आया नहीं क्या, और शाहाना चाय लेकर आओ। वही खुदा पाकिस्तान, धीरे धीरे मेहरबानी, मेरा जलाल खान टीको के घर आ रहा है, वैसे तो उसका शक्ल देख रहे को हमारा दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करे मजबूरी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय। शाहाना खुदा है, ये क्या हुआ है तुम्हें, ये तुमने अपना ये मुंह क्यों इस तरह से लपेटा हुआ है? बीजान आगा जी के ना सख्ती से आर्डर हैं कि घर की सारी औरतें जो हैं वो पर्दा करेंगी, घर में बगाने मर्द फिर रहे हैं। बेगरा ये खुद है अब्बा का, ये क्या कह दिए, हमको तो सीधे इधर हाइट पे हुआ है, ये तो हमारा बैठे बिठा बिगाना बोल दिया हमको, ये बहुत सख्त बात है मुमताज बेग, बहुत सख्त। खुशा जान ये क्या फिल्म चल रही है, ये क्या किया तुमने घर में? क्या कह दिया, कौन सी फिल्मी बात है इसमें, अगर इनके घराने की औरतें हमसे पर्दा करेंगी तो हमारे घर की बहू बेटियां भी इनसे पर्दा करेंगी। हाँ जी बिल्कुल। वैसे दरिया खान बात तो ये दुरुस्त है, अब देखिए ना ये कोई बेगाना घर तो है नहीं, आपका अपना घर है और यहाँ पर बेगाने लोग भी नहीं है, तो फिर ये इस पर्दे की क्या जरूरत।
मुमताज बेगम आपको और हम न माने ये तो नामुमकिन है। शांति दे नानी के तरह तो इधर कौन बेगाना मर दे। चलो जाओ ये फर्दा शर्दा उतारो इसके बगैर को चल वही इधर नहीं है कमरे में जाके उतारो लड़ चलता। आगा जी अगर आप इजाजत दें तो मैं भी ये उतार दूं पर्दा किचन में ना बड़ी गर्मी है। हाँ भाई शाहना उतारो इसको तो तुम्हें देख के डरी गई थी। बड़ी गर्मी है किचन में ना काम करने में जरा दिक्कत हो। चाय लीजिए ना। चाय चाय तो आप लीजिए ये पियो गरम गरम चाय। मुझसे भी पूछ लिया होता अब तो ये ले लो। ये वाली नहीं पियूंगा मेरा वाली एंजॉय करो। हाय जी I'm sorry. I'm sorry, ताई जी। ताई जी, प्लीज बस कर देना अपना गुस्सा। अरे जी अब पुत्र मेरी क्या औकात मैं कौन होती हूँ तुझे गुस्सा दिखाने वाली है। अनपढ़ जाए लाड़ जमाते के पास नहीं हूँ मैं। पूरा घर मुझसे खफा है मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सबको कैसे मनाऊं। आप तो गुस्सा ना करें। जिया तू बाहर की तैयारी पकड़ ले हैं पढ़ने चली जा तेरा सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है ना मैं तेरे ताई को कह के तेरा टिकट कटवा दूंगी। और ये जो मेरा पुत्र है ना सल्लू इसकी तूने फिक्र नहीं करनी मैं देख लूंगी मैं माँ हूँ उसकी मैं भी जिंदा हूँ। अम्मा दे दे खाना पापा को ले आया। शुक्र है तू भी आ गया काम था मुझे तुझसे। अम्मा मैंने नहीं कोई दो घंटे से बिजली वाले जो है वहाँ पे लटके हुए कम ही नहीं खत्म हो रहा जा देख क्या उनको। वो मिठू भी तो फिरता रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है बड़ा उसको कहा करे ना। उसको मैं नहीं कह सकती हूँ मिठू बेचारे को मैं ना की माँ ने वो तोड़ी लगाई है रात को तब से उसकी बत्ती गुल हुई है। तू चला जा चल जा जाके देख क्या बिजली की तारे नंगी पड़ी हैं करंट ना लगवा लेना अपने आप को ख्याल से जाओ। अम्मा कुछ नहीं होता मुझे गाजर नहीं लेके गया तू खरगोश। जलाल खान काश तुम ठीक ठाक हमारे हाथ लगा होता तो तुम्हारे चपली कबाब बना के साथ ले जाते। दाजी गुस्सा दूख दे वापिस चलते हैं पिखावर। अरे ये क्या बात हुई भला क्या आप लोग यहाँ सिर्फ हाथ लगाने आए थे। नहीं बीजाना हम अपनी मैनों को ले जाने और जल्लू काना की तबीयत मालूम करने आए थे। ये अपना एमए तो मुकम्मल कर ले क्यों दरिया खान। जब आप ऐसे दरिया खान को पुकारती तो फिर सवाल जवाब का गुंजाइश कहाँ रहता है। तू यहाँ नहीं आ जाते दरिया में मुमताज बेगम। आओ कना दाजी अब मैं अपनी एमए पूरा करनी है। अब आ गई हो तो अपना एमए तो मुकम्मल करके जाओ ना क्यों दरिया खान। अब इस तरह कहेंगी तो दरिया खान दरिया दिली का मुजाहरा तो करेंगे। एक्सक्यूज मी क्या मतलब है आपका। ये मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा खान साहब आपके समझ से बहुत ऊपर की बात है। वैसे एक बात आपका समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपका कोई यूके वापस जाने का प्रोग्राम वोग्राम नहीं यार बंदा केस से किसी के घर में हुए हुए इतना काम काज छोड़ के भेज सकता है। वो बात ये है खान साहब कि ये तो मेरे सगे भाई का घर है आपका बेटा इस घर में घर दामाद बना पड़ा है। खाना मार दिया मेरा को एक बार ये बेगैरत देखो 15 नंबर सफल के साथ इतना मारेगा इसको पिखावर तक मारता वो लेकर जाएगा इसको। लाहौल वाला कुवत है ये लाहौल वाला औरत आपका क्या लगती है। हमारा तो जो लगता है सो लगता है आप अपनी खैर मनाइए आप ही लगने वाली है।
सी मतलब दे? कुछ भी मतलब नहीं है, मजाक कर रहे हैं ये। मैं तो यहाँ आई इसलिए थी कि जरा जलाल खान को देख लें, इनकी तबीयत पूछ लें, और मेरा ये ख्याल है कि हमें यहाँ मरीज के गिर झमगट्टा नहीं लगाना चाहिए, उसको आराम की ज़रूरत है। तो हम बाहर बैठते भी जान सही वेदा जी, वैसे भी मामू की टेबलेट का टाइम हो गया। ओके ठीक, लेट्स वॉक, कम लॉन्ग टेबलेट। हाँ हाँ सब लोग मुझसे ऐसे खफा रहे थे। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ? देखना बाजी, तार में करंट है। ना चाची, तेरे साथ हुई बड़ी सुतरी है, बिल्लो बादरी ने तुझे सेट करके रखा हुआ है। हाँ हाँ, मैं करती हूँ बाद में बात। अब बड़ी जरूरी बात है शाना, वो दाजी है ना, वो मटन के अलावा और कुछ भी नहीं खाते। सर इस बात का ध्यान रखना। ये ला, टीन डब्बे जैसी उनकी शक्ल है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी चंगी शय को मुंह भी लगाया होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे ससुराल वाले फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं। हाँ तभी तो मासूमा तू हमसे करोड़ करोड़ के चेक मांगती फिर रही थी। ये तो मुझे सुना रही हो? अरे हाय मासूमा, मुझे माफ कर दे, हर बात को ना दिल पे ना ले लिया कर। तुम बस सारा वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मासी 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 क्या हुआ है? जनाब तेरे कुछ हो नहीं? ओए सल्लू बानू कर दिया क्या है? ओए पीड़ा तेरे जेंद्र सल्लू पंचायत। ओए किधर है चल? जमशेद अंकल एम्बुलेंस बुलाई है, आओ मेरे साथ। चल चल चल, आप तेरे आगे। अरे उठा लो फोन। हाय अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे तुम्हारी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि वो अस्पताल गए हैं किसी इमरजेंसी के अंदर, वलीमे पे नहीं गए? खुदा के लिए शाहजहां, क्या हो गया तुम्हें? उधर बच्चे की जान के लाले पड़े हुए और तुम ओके इस तरह की बातें कर रहे हो? अरे तुम भी तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वो जानबूझ के तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर खैरियत रखे। लाइनमैन पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि बहुत ज्यादा करंट था उस तार में। ये तार असल पर गिरी क्यों, कैसे? अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से रखना। कुछ हमको भी तो पता चले, क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? कुछ भी नहीं चल रहा, अरसल को करंट लग गया है। ओ, कहीं ये हमारा बीमारी को प्लाप करने का साजिश तो नहीं है? खुदा का खौफ करें, कैसी बातें करते हैं आप जलाल। वो दाजी,
और बहना किधर है? दाजी तो बीजान को तसल्ली दे रहे हैं। धनी क्या हाल है बच्चे का? शाना तो बहुत परेशान है। शुक्र है मेरे मालिक का, हमसे तो तवज्जो हटी। कितने खुदगर्ज हैं आप, किसी और का एहसास भी है आपको? वो अकलमंद औरत जब तक हमारा अपना परेशानी खत्म नहीं होगा, हम किसी और के बारे में क्या तवज्जो देगा? बस तुम दाजी को इधर से भिजवाने का बंदोबस्त करो। दाजी को तो अब अल्लाह ही भिजवाएंगे। शाहाना को देख क्या, इसको भी देखो उसको भी देखो, मगर अपने शोहर को मत देखो। अब अभी किंजा को फोन करके तुम्हारा हालात बताते। बता दे, किंजा से मैं डरती नहीं हूँ। आए मेरा जल्लू पुत्र, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या हुआ है उसके साथ? शाहाना भाभी प्लीज हौसला करे ना, मैं नजाकत को फोन मिला रही हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा कहीं से भी। आए मेरा बच्चा, हमारी किस्मत मेरे बच्चे की। और ये मिठू नु देखो, छलांग मार के एम्बुलेंस में बह गया। बंदा माँ को तो फोन कर ही देता है। मैं मिठू को फोन करूँ? चुप छा। आप रो नहीं, ये पानी पियो। इंशाल्लाह आपके जोए को कुछ नहीं होगा। पता नहीं नजाकत फोन क्यों नहीं उठा रहे। आए उसकी तो आप तबीयत खराब हो गई ना अस्पताल में। के मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सल्लू के पास जाना है। आए मेरे दिल को पंखे लांगे, यू घूम रहा है। देखिए शाहाना भाभी, जब हमें पता चल जाएगा ना कि हॉस्पिटल कौन सा है, तो हम भी वहीं चले जाएंगे। अभी चुप कर जाए ना। आपका इंगूर कहाँ है, वो हमको नजर नहीं आता। वो जिया का पूछ रहे, नमाज पढ़ रही है। यही है हमारा अंगूर अमरूद। इसकी वजह से लगा मेरे सन्नू को करंट। जब से इसका ब्याह हुआ है मेरे मुंडे के साथ, एक पल सुकून का नहीं मिला उसको। आए सन्नू की हुआ है, क्यों खपत्ती सासों की तरह तू चल दौड़ी है बेचारी जिया पर? इसका क्या कसूर है? इतनी भी बेचारी नहीं है, शाहाना भाभी ठीक कह रही है इसके बारे में। अच्छा चलो छड़ो ये पिट से आपा, रोना तो बंद करो, चलते हैं अस्पताल मेरे नाल चल। पता ही नहीं कौन से अस्पताल में लेके गए सल्लू को, हम कहां पे जाएंगे? आए मेरा बच्चा। कोई गल नहीं, असी दोनों बहने ना रल मिल के ढूंढ निकालेंगी। तू रोना तो बंद कर, कमली हो गई है, मेरे भी दिल च खिंच पै रही है। मिंटू को फोन कर। तो चुप छा, फोन कमल पकड़ ना दे। देखा इस घड़ी में भी, इस मुश्किल घड़ी में भी पश्तो में मारी बुराइयां कर रही है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, आप ये पानी पियो ना। मिठू कब दे मुझको। है मेरी जान की टोटी, टेंशन ले ना, कोई लोड नहीं है। आए, दूर फिटे मुंह तेरा मिठू है, वहां पे मेरा बच्चा अस्पताल में मंजी पे पड़ा हुआ, और तुझे ये अटकेलियां सोच रहे सूझ रहे, मैंने आखिर तुझे वट चपेट मारनी है। ओ, मासी मैं बताता हूँ आपको, मैं सुल्लू भाई ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसलिए तो फोन किया था मैंने। मुझे पता तूने क्या बताने के लिए फोन किया था, जो शौकियां तुझे चढ़ी हुई ना, तू कह रहा मैं तेरी क्या सीखूं, कि मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती, मेरी सुल्लू से बात करा। ओ मासी मैं आप थोड़ी देर में सुल्लू भाई से बात कर, इधर सब ओके फाइन है। ठीक है, शुक्र अल्लाह। हाय शुक्र अल्लाह का, शुक्र मौला का। आए मैं तो कह रही हूँ, भी जान से कह के को बड़ा सारा कट्टा जो है वो सदके में दे देते, छोटे छोटे सदके से कुछ नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। वल्लाह कसम, हमने तुमको बोला था ना तुम्हारे जोए को कुछ नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया आपको, आपने हमें पहले ही बता दिया था। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है सल्लू, बिल्कुल ठीक है, अब सुकून का सांस आया मुझे। पास कर दे तू और पानी पी। मेरे बच्चा। अरे बस कर दो मुमताज जहां, अल्लाह का शुक्र करो कि बच्चा खैरियत से, क्यों रोए चली जा रही हो? ओए मेरा खुदा, ये पूरा दुपट्टे गीला कर दिया मुमताज बेगम, अब रो रहे हैं, अब खांसो हमारी दिल पे गिर रही है। और ऐसी बातें करके आप नजरों से गिर रहे हैं खान साहब। अकेले शाहजान ये ऐसी फजूल बातों का वक्त नहीं है, जमशेद को फोन करो, मालूम करो कि मेरे अरसल का क्या हाल है। हेलो, हाँ मियां जमशेद, ये क्या बच्चों वाली हरकत है ना, मुझे साथ लेकर गए
और ना फोन अटेंड कर रहे हो। तुम्हारी बीजान और जिया का तो रो रो के बुरा हाल। वो अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे, सॉरी आगा जी, इमरजेंसी थी, मुझे कुछ सूझा नहीं। और फिर वो अरसल की कार्डियक मॉनिटरिंग भी हो रही थी। तो कैसी तबीयत है अरसल की? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है, कोई सीरियस बात नहीं। अच्छा, तो ये बीजान और अर्जी आना चाह रही है उसे देखने के लिए? आगा जी, खुदा के वास्ते किसी खातून को मत लेकर आइएगा, बस मैं थोड़ी देर में अरसल को लेकर घर ही पहुंच रहा हूँ। चलो चलो चलो, ठीक है, माशाल्लाह, आ जाओ घर। ओके ओके, ठीक है, माशाल्लाह, अरसल थोड़ी देर में आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र। वही अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने कहा था आपको मुमताज बेगम, ये छोटा मोटा करंट है, इससे कुछ भी नहीं होती है। अरे आपके लिए तो हर बार छोटी मोटी है खान साहब। है जलाल को हार्ट अटैक हो जाना भी छोटी बात है, उसे आंख कर देना भी छोटी बात है। ये जलीबों ने खुद दी, इस फरंगी के औलाद को मेरे से डायरेक्ट क्या प्रॉब्लम है? शाहजहान, मासूमा को कहो कि मुझे चाय एक प्यारी बना के दे दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ये खुद भी बहुत अच्छी चाय बनाते, मैंने देखा किचन में। वैसे मुमताज बेगम, मेरे को सर दर्द का दम भी आता है और मुझे ये दम निकालना भी बहुत अच्छा आता है। एकदम आता है तुमको? बगैर तकल्लुफ के खान साहब। वैसे बहुत एफएम है यार, एफएम यूके में फिटे मुंह को बोलते। अच्छा, मासूमा को चाय का बोल दीजिएगा, अब आप उधर जा रहे हैं। तो मुमताज वैसे आदमी बुरे नहीं है, गौर करो। हेलो मिट्टू, असल कैसा है? सब कुछ खैरियत है ना? देखो, मुझसे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है सच सच मुझे बताओ। उपजाई जी, अल्लाह करे मैं सल्लू भाई बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी तो दर्द है उन्हें, मैं दबाऊंगा, ऐसे फिट हो जाएंगे, आपको तो पता है मिट्टू के हाथों का। मेरी बात गौर से सुनो मिट्टू, एक लम्हे के लिए भी अरसल से दूर नहीं जाना और उसका बहुत ख्याल रखना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उसके लिए। उपजाई जी, आपने टेंशन नहीं लेनी, मिट्टू है ना। मैं कैसे टेंशन ना लूं, इतनी जोर से वो जमीन पर गिरा था, मुझे तो लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा। जाहिर है पर जाई जी, दिल का मामला था ना। आप कहती हैं तो मैं आपकी सल्लू भाई से बात कराऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बात कराने की, बल्कि उसे ये भी ना बताना कि मैंने कॉल की थी। मैं रख रही हूँ, खुदा हाफिज़, ख्याल रखना। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया था सोने का गुट्टा, नजर ना गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना। सुनो चंदा, कहाँ चंदा, कहाँ चंदा। जिया, तुम्हें उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यार मैं जाना चाहती थी लेकिन अब्बा ने डांट दिया। हाँ तो यार, तुम शहाना आंटी के साथ चली जाती तब भी जाना था, लेकिन आगा जी ने कहा कि सब वापस आ रहे, कोई जरूरत नहीं आने की। प्लीज उसे कॉल तो कर लो जिया, अपना उठाओ फोन, उसका हाल पूछो कैसा है वो। मैंने कॉल की थी मिट्टू को, खैरियत है? और मैंने उसे खास तौर पे कहा था कि उसका बहुत ख्याल रखना, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने उसे कोई बात की तो वो कहीं मुझे कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। एक तो यार तुम दोनों जो अपने खुद पर ना ये फजूल की बातें जो सवार कर लेते हो ना, इसी से रिलेशन खराब होते और कुछ नहीं। यार रिलेशन रहे ना रहे, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। मेरा दिल बंद हो जाता है जब मुझे कुछ होता है तो। तुम जरूरी तो नहीं है ना कि जो दिल में रहते वो आपकी जिंदगी में भी रहे। बहुत ही फजूल फिलोसफी से अपने पास ही रखो जिया, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मर जाओगी लेकिन कभी भी अरसल के सामने एतराफ नहीं करोगी। मुझे खुद
समझ नहीं आया, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो आ नहीं जाता। कुछ नहीं होगा उससे, वो आ जाएगा। तो सब मेरी वजह से हुआ है यार, वजह से नहीं हुआ है, लेकिन तुम कुछ भी तो कर सकती हो ना। अच्छा रो मत प्लीज, ऐसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों हमारे घर पर आफतों पर आफतें आए जा रही हैं। तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं सब समझ चुकी हूँ। क्या मतलब विजन? एक बात तुम अब कान खोल के सब सुन लो, इस घर में अब और कोई नौटंकी नहीं होगी। हाँ, कैसी नौटंकी विजन? पिछली दफा तुम्हें मनाने के लिए जमशेद ने हार्ट अटैक का बहाना किया था, तो अरसल को डाकुओं ने गोलियां मार दी, और अब जलाल के ड्रामे में मेरा बच्चा तो रगड़ा गया ना। बीजान यही होता है ना, बड़ों की गलतियों का खमियाजा बच्चों को ही तो भुगतना पड़ता है। अबे बीजान, मेरी तो मजबूरी थी। अब मजबूरी कोई भी हो, इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें करके बच्चों के लिए गलत मिसालें कायम करने की जरूरत नहीं है, वरना आगे जाके सब सर पकड़ के रोएंगे। और जिया, तुम जाके अपना कमरा ठीक करो, अरसल मजीद नहीं रहेगा डीजे के कमरे में। जी जी आगा जी। नहीं आगा जी, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, जितने तुम ठीक हो ना, वो हमें नजर आ रहा है। सल्लू पुत्र, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है, तू अब अपने कमरे में रह। देख ना, जिया ने तो चले जाना दो चार दिनों में यूके, है ना? हाँ, मैं टिकट करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा सुन, बाद में तुझसे बात करूंगी, तुझे फिर से ना बहुत ज्यादा मुबारक हो, हैं? रखती हूँ, खुदा हाफिज़। ये पुत्र, ये तू सल्लू के लिए लेके जा रही है? यहाँ पे रख दे, मैं खुद ले जाऊंगी। से जिया की बच्ची से बातचीत बंद हुई है, बोरियत हो गई है। कोई मूवी डाउनलोड करता हूँ। आखिर जय सुपर 4G की डाउनलोडिंग कब काम आएगी? हो भी गई। यसरा अभी तभी ठीक नहीं है, बाद में बात करता हूँ। आखिर ये यसरा है कौन जो इसे दिन रात कॉल्स कर रही होती है? लगता है इससे भी दो दो हाथ ना करने पड़ जाएंगे। निकालती हूँ उसका फोन नंबर मैं। कितनी ढीठ है ये जिया की बच्ची, इसे बचाते बचाते मैं खुद मौत के मुंह में चला गया, इसका कोई परवाह ही नहीं है मेरी। ऊपर से मैं ये खामखा यसरा वाला ड्रामा किए जा रहा हूँ, मुझसे बड़ा भी कोई पागल नहीं है इस दुनिया में। लाइट बंद करो। लाइट उठ के बंद कर दो। मैना जी, ए वेखो, आपका पसंदीदा अलकरम
फेस्टिव कलेक्शन का जोड़ा आपके लिए लेके आया हूँ मैं, फिर भी आपको मेरे पे इत्बार नहीं है। थैंक यू, लेकिन मिट्टू बात एतबार का नहीं है लगा। तुम्हारा बेबी भी नाराज हो गया हमारे पूरे खानदान से। मैंने जी, मैं आपको 101 बारी बता चुका हूँ कि मिट्टू और उसकी बेबे इजी नहीं लेना। मिट्टू मैं भी 102 मरतबा बता चुका हूँ कि मेरे खानदान को इजी नहीं लेना है ना मड़ा। और मैंने जी, होगा आपका वो पिशावर का बादशाह खान, देख लूंगा मैं उसको, ठीक हो गया। जाजा मड़ा 30 मार खान बेबे के लाडली जाके अपने बेबे को संभालो, ऐसा लग रहा है जूते तुम्हें नहीं उसको पड़ा है। मैना जी, बेबे ना मेरे से अन्नेवा मोहब्बत करती है। मिट्टू को एक एक तकलीफ जो होती है ना, बेबे के दिल में कतरा कतरा बन के उतरती है। सिर्फ वही मोहब्बत करती। मैना जी, आपकी ये बात ना मेरे दिल को जाके बजती है। और क्या बताऊँ आपको, मिट्टू ना इस बात के लिए 1000 बार फेंटी खाने को तैयार है। जा बड़ा मेंटल पीसा। वो परिजन, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए। कल सुनो खान साहब, ये मजीद गिद्दड़ सिंगी सुंगाणियों की जरूरत नहीं है अब। वो परिजन, हम अपनी जान खतरे में डालकर इधर आया, तुमको ऐसा मशवरा देगा कि 2 मिनट में मैना का रिश्ता तुम्हारे कदमों में। ना, अपने कोल ही रखो ये रिश्ता, उस ठटाकी का मैं नहीं चाहिए। वो परिजन, वो समका हुआ, देखो ये बच्चों का अपना मर्जी है, हमसे मैना को उदास चेहरा नहीं देखा जाता। हाँ तो मेरा पुत्र कौन सा धमाल नहीं डालता फिर रहा है पूरे कराची में। वैसा तुमको मशवरा देगा कि तुम कराची तो क्या पूरे पाकिस्तान में धमाले डालेगा। बस तुम ऐसा करो, पीजान को भी जो रिश्ते के लिए, मैना का रिश्ते के लिए दाजी के पास, अगर दाजी नहीं माने जो काले चोर का सजा वही हमारा सजा। ना पर बीजान कौन सी आमिल जोगी बाबा है जो महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। वो परिजान, हम तो समझता था तुम बहुत स्मार्ट है, लेकिन तुमको तो कुछ भी नहीं पता। वो सौरत बीजान का ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें, हमारा ताजी उस बीजान के सामने बकरी बन जाता है और ऐसे ऐसे हाँ करके मैं करते है। बेबे वो की, वो की हो है? फिर से फैटी खा के आए। आपको ना वो बीजान बुला रही है। तो तेरा रंग पीला क्यों हो गया है, कोई मौत के फरिश्ते ने बुलाया? बस परी जी, इसको अल्लाह की तरफ से गैबी इम्ताद समझो, कल सुबह हमारे लिए रसगुल्ला मंगवा लेना, अभी हम चलते हैं कहीं ताजी ना देख ले। तुम अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। बेबे किस खुशी में रसगुल्ले हैं? अब छोड़ छदाई को, तेरे चक्कर में इस पागल को मुझे मुंह लगाना पड़ा। अरे अब जाकर देखती हूँ ना क्या चाह रही है। बेबे बैठ जाओ, कल जाना है, अभी तो बीजान से हो गई होंगी है, अब मैं चला। ओ पुत्र कितने टूर पे आ ना होए थे, अरे काजल भी रह गया मेरा। हाँ जी सल्लू पुत्र आ जाऊं। हाँ माँ। ये देख मेरा सोना शहजादा, तेरे लिए सवेरे सवेरे लच्छेदार पराठा देसी घ्यो वाला और चाय बना के लाई हूँ। है अम्मा मेरे ना कपड़े भी इस्त्री कर दी, मैंने आज से फैक्ट्री जाना रेगुलर। अरे पुत्र करंट दिमाग पे तो नहीं लग गया तेरे? नहीं अम्मा, मैंने सोचा मैंने ना बहुत याशी कर ली अब्बा के पैसों पे, अब अपना कुछ फ्यूचर का सोचना ना, फारिग आदमी की कोई नहीं इज्जत। सोचने से मुझे याद आया शेरी की कॉल आई, कह रहा था कि इसका सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसको भेज दें वहां पे। हाँ तो अम्मा भेज दें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए तो मैं करवा लूंगा टाइम निकाल के। सल्लू पुत्र इतना अच्छा बनने की लोड़ नहीं है, एक तो मुझे यकीन नहीं होना, दूसरा ना तुझे नजर लग जानी है, और अपने दिमाग और बॉडी को ना थोड़ा सा रेस्ट दे, ऐसा ऑथरा करंट लगा है तुझे, है मरते मरते बचा तू। मर ही जाता तो अच्छा था।
क्या बुड़बुड़ कर रहा है? थोड़ा ऊंचा बोल है, समझ में नहीं आ रही मेरी। ये किस हो रही है अभी तक? अम्मा जिड्डा उच्चा तू बोल रही है ना, कोई मुर्दा भी खलो के टुर पे, वो तो उसकी हिम्मत है कि वो सो रही है। और खुद तू कितना ऊंचा बोलता है। वैसे सही है, चारी को सोने देते हैं। हाँ, बाहर की जिंदगी जो होती है ना सल्लू पुत्र, बड़ी टफ होती है। सही है, चार दिहाड़े स्कूल के गुजार लेंगे। हैं कोई तो सुकून नहीं है। कुछ नहीं अम्मा, मैं ऐसे ही। मैं जाके तेरी ना मासी तीनों को देख के आऊं। सवेरे से सदे पे सदा भेज रही, पता नहीं क्या मसला हो गया उसको। अम्मा कपड़े कर दी। हाँ किस्सा। तो बी जान, मुझे बेवा का ना आपके सिवा और आगा जी के सिवा है ही और कौन? तो मेरे यतीम पुत्र का ना सब कुछ आप ही ने करना है। बी जान पीनो ना बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ना मुझे इस पे बड़ा सख्त गुस्सा था, लेकिन ये जो सल्लू वाला मसला हुआ है ना करांटे वाला, उसमें इसने मेरा बड़ा साथ दिया। अच्छा ठीक है भाई, सोचती हूँ। ठीक, इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई? मुझे तो किसी जाविये से सेंसिबल नहीं लगता ये जलाल और जलाल का पूरा खानदान। क्यों, ऐसी भी कौन सी बुराई है उनमें? उनकी कोई तस्वीरें हर थाने में तो नहीं लगी हुई? ये एक बात बताओ मुझे, इनके दिफा में तुम फौरन मैदान में क्यों उतर आती हो? मेरी इकलौती बेटी का ससुराल है ये। अच्छा याद आ गया तुम्हें, वही मासूमा ना जिसे आज तक उन्होंने किया, बल्कि अपने बेटे जलाल को भी जलाल से आख कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि आगा जी जो है ना नमक पाशी करने के मूड में आज। याद दिला रहा हूँ तुम्हारी सास को, इस मामले में इनकी याददाश्त बहुत खराब है और मेरे मामले में कोई बात भूलती नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है शाहजहान, मैं बात करूंगी ना दरिया खान से तो फौरन वापस ले लेंगे वो अपना आंख वाला फैसला। अच्छा ले ले आंख नामा अपना वापस, मैं जलाल के साथ कोई काम नहीं करूंगा। इंतहाई फजूल आदमी लगता है मुझे वो। हे आगा जी, पसूड़ी क्यों डाल रहे हैं आप सारे मामले में? ठीक है, नहीं डालता मैं पसूड़ी, वापस चला जाता हूँ मैं यूके। तुम बना लो बीजान के साथ बैठ के अपनी सारी रिश्तेदारियाँ। आगा जी, अनु क्यों है? अरे पिंड वसिया नहीं, उचक्के पहले ही आ गए। दिमाग खराब हो गया शाहजहान का। बात करती हूँ मैं दरिया खान से। वेरी गुड बीजान, जितनी जल्दी ये कट्टा और कट्टी निकल जाए यहाँ से ना हमारा फायदा हो जाएगा। है अब पीनो को देखे आई थी यहाँ पे आग लगाने के लिए है, और घर वाली बांध के बैठ गई। मैं ना नगीना चाची की तरह नू लेके ही जाऊंगी। हाय क्यों नहीं, बड़ी गज वज के साथ करेंगे हम अपने मिठू का ब्याह। आई लव यू छन्नो। हाँ भाई, यासिर के बच्चे, यासिर बन के बात करूँ या युसरा? वैसे कसम से युसरा बन के ना अब तो लड़कियों वाली फीलिंग आ रही है। हेलो देर में कॉल कर रही हूँ, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, बस दो मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, अभी कुछ हुआ है और मैंने तुमसे बहुत सब कुछ शेयर करना है। बाय। बड़ा झूठ।
ख्वाजा जलील इंसान सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। जिया ने देख लिया मैं गोली मार देगी तुझे। तो आखिर भाभी को पता कैसे चला कि तेरी लंबी जुबान की वजह से सारा कुछ सुन लिया उसने फोन पर। तो यार फोन आया कहां से भाभी के पास? दफा हो जा बात, कब्र में पड़ा सोचता रहेगा कि कहां से गोली आई है, निकल बाहर। अच्छा अच्छा एक काम करना, तू एक काम मामला संभाल ले और भाभी को बोल दे यासर का मोबाइल चोरी हो गया। चीफ आइडिया अपने पास रख। यासर निकल इधर से, आ जाएगी जिया, बाहर निकल। खवातीनो हजरात, कराची और उसके मजाफात में अरसल के जलील होने का वक्त हुआ चाहता है। एंजॉय कीजिए। I'm sorry, Jia. It's okay. मैंने तुम्हारे लिए किया जिया। तुम मेरे लिए मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। क्या लॉजिक है ये? तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था यार। मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम मुझे एहसास दिलाना चाहते थे? और एहसास दिलाने के लिए तुम एक फेक लड़की को हमारे बीच लेकर आ गए। अगर मैं ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? मरकर भी यकीन ना करता यार। से ज्यादा यकीन है मुझे हमारी मोहब्बत पर। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली ये बात समझाना चाह रहे हो कि मुझे तुम पर यकीन? प्यार करता हूँ तुमसे जिया यार, क्यों नहीं समझती उस बात को? अगर मुझसे प्यार करते हो तो हमेशा वही हरकतें क्यों करते हो जिनसे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुँचती है? मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था जिया, लेकिन मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी। सर तुम्हारी इंटेंशन सही हो, अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पूरे खानदान के सामने मैं एक बुरी बहू, एक बुरी बेटी और एक बुरी बीवी बन गई हूँ ना, और तुम इस पूरे घर के सामने एक महान स्त्री बन गए। मैंने नहीं सुनना, नहीं असल नहीं करनी मैंने तुमसे कोई बात, मैं नहीं कर सकती हूँ। जिया सुनो। हाय, फिर लड़ पड़े हो तितर बटेर। अम्मा इस दफा तू बीच में ना, हमारा पर्सनल मैटर है। पुत्र मैंने जुत्ती उतार के ना तेरा पर्सनल दो सेकंड के अंदर तेरी तली के पार रख देना। क्या किया इसको, क्यों रो रही है ये? अम्मा उन पार्टी ना बदली, मैं कह रहा जी मैं आपको बताती हूँ। माँ सबके माँ वारी जाए, इस तरह रोना तो बंद कर, तुझे देख के मुझे भी रोना आ रहा है। आ मेरे साथ अंदर आ। अम्मा मैं अज तक अम्मा की समझ नहीं आई, इतना तेज ते लट्टू नहीं घूमता जिड्डा तेज है घूमती है। अम्मा चल बता मुझे क्या कह रही है, किसी कुड़ी के साथ चक्कर चल रहा है सल्लू का? जी ताई जी। हाय जिया पुत्र जान दे तू, सल्लू जैसे मुंह को खानदान से बाहर लड़कियां सिर्फ फिटे मुंह कह सकती हैं। नहीं ताई जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। हाँ मैंने उसे मैसेज भेजा था, ये देखिए। भाई मैं मर गई। इसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि गलती से तुम्हें भेज दिया। मेरा नाम सुना है कोई युसरा यसरा है ना। सल्लू केड़ी माँ को आई लव यू के मैसेज कर रहा है तू? कोई नहीं अम्मा, मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये जो तू डेले बाहर निकाल लेता ना और अपने नथने फुला लेता है ना, तो मुझे पता चल जाता फॉल्ट तेरे साथ है। हैं मैं तेरी रग रग तो वाकिफ हूं। अम्मा मजाक था ये, बताओ ना जिया। नहीं तो फिर केड़ी माँ को कर रहा था तू मैसेज आई लव यू के? अम्मा इसको सब पता है, मैं आपके सामने कर रही हूं ड्रामा। भाई तू इसको छोड़ दे, इसकी सास को बता, बता रही हूँ तुझे फौरन मुंह से फूट दे। तू करंट से बच गया था, मेरी फैंटी से नहीं बचेगा। बताओ ना जिया। ठीक है ये नहीं ना बता रही, ये ले कर ले युसरा से बात। हाँ भाई कौन है तू? शाहाना आंटी मैं हूँ, यासिर। मेरा पर जय यासिर, तू है युसरा ना दा खुसरा? नहीं नहीं आंटी वो तो मैं अरसल के कहने पे मजाक कर रहा था। बकवास बंद कर दे तू अपनी यासिर, और कान खोल के मेरी गल सुन ले। आज के बाद तुम्हारे घर के अंदर बड़ा ना तो व्हील चेयर के ऊपर वापस जाएगा, समझ आ गई मेरी बात? सॉरी बोल जिया को। सॉरी इट्स ओके।
नाराज कर दिया उसको। अब यहाँ पे खड़ा हुआ मेरी शक्ल क्या देख रहा है, दफा हो जाए यहाँ से। तेरी वजह से मैं अपनी हीरे जैसी नूह से मुंह फुला के फिर रही थी तुगाली की तरह। ओ मजाक था मायमी, तू कर लिया ना मजाक, अब दफा हो जा, जाके बात कर उससे। जा रहे हैं, तेनु बहाना चाहिए था बस। फोन दे, पकड़ अपना फोन। बहाना चाहिए था बस तेनु। जिया पेंसिलस इश्वलस वोलस अतलस नखलस। वही अल्लाह वंदा जी, कुछ तो ख्याल करो, हमारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन कमच तब पहले उन्हें दिल सोच कर या? वो तुमने कैसे सोचा कि हमारा खानदान का लड़की हम वार देगा? जल्लुकाना तू कैसे भूल गया हमारी मेहनत का रिश्ता नसीब खाना से थे। दाजी हमने तो बस ऐसे बात किया था। यू ही बात किए थे? उस बिया ड्रेस से वो शलू शू का ना बिया यो ना शुरू का फिर एक से शुरू का चल यो दुआ ड्रे चलो। ये हमारे दामाद की इज्जत अफसाई किस खुशी में हो रही है? ओ देखो शकना मोर रखली दी दल तवल अब तशरीफ तो नहीं जैन नसीब। बीजाना ये कराची आकर बहुत गलत बातें करता है, कोया आप हम पर इल्जाम ठहरा रहे हैं? ना खुदा न खस्ता ये कैसे कर सकते हैं, हमारा औलाद का तरबियत इतना खराब नहीं है मुमताज बेगम। वे माफी मांगे ये मजरा तू कदे सर मोर दिसता। जी दाजी भी जाना माजरत। कोई बात नहीं जलाल, तुम क्या कर रहे हो भाई, आराम से बैठो, अभी अस्पताल से आए हो तुम, डॉक्टर ने पता है ना क्या कहा था। मैं भी यही बोल रहा था इसको कि बस तुम उठक बैठे क्यों कर रहे हो अभी ऑपरेशन, बैठो उठ के बैठो इधर। वैसे दरिया खान इसको किस चीज की सजा दी जा रही है? बीजाना ये हमारी मैना का खानदान से बाहर रिश्ता करने की बात करते है। तो इसमें हर्ज ही क्या है, क्यों दरिया खान? हर्ज तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं खास। अब हमारी मासूमा भी तो हमारे खानदान से बाहर आपके खानदान में गई है, और फिर हमारी किंजा है वो शादी करके इंग्लैंड गई है शहरी के साथ, और दोनों बहुत खुश है माशाल्लाह। ना बीजाना ना, हमारी मीना का रिश्ता नसीब काना से तय। बच्ची से पूछा आपने उसकी मर्जी है कि नहीं? उसकी मर्जी नहीं है, उसमें उसकी मर्जी नहीं है बीजाना। तुम चुप करो जल्लू खाना, चुप करो। देखा दाजी हमारी मीना का दिमाग इसने खराब किया है, जरा रो ना। चुप कर रही है, रोड़ा खोड़ा इधर, रोड़ा मारो एक दूसरे के साथ, दो जवान बुजुर्ग बैठे इधर, तुम लोग खेलो दल खेल बैठो इधर। चाय पियेंगे यार, बहुत फगा से चाय लेकर आओ। मैना जी इस अलकरम के जोड़े में ना आप आज कोई बड़ी को खूबसूरत लग रही हो। शट अप मिट्टू, तुम्हें हमारा खूबसूरत दिखने का पड़ा, हमें इतना टेंशन हो रहा है लगा। मैना जी आपके पास मिट्टू है ना, हमें टेंशन नहीं लेनी आपने कोई है। लगा मिट्टू हमने दाजी जलाल मामू के साथ रमजान वाला गेम शो खेल रहा है, मुझे लगता है अगला बारी हमारा है बस। मैना जी मैं बताता हूँ आपको, अब तो बेबे है ना वो वजीफे कर रही है, सब संभाल लेगी। मैना बाजी मैं क्या खबर लेके आई ये बुरी। ओ हेलो जलाल पप्पा के कमरे में ना पेशी आई है आपकी आज। मैंने कहा वो क्यों? अब वो मुझे बताएंगे ना कि आपकी पेशी आई है क्या है वो। देखे मैंने अपनी इज्जत रखनी है, नया स्कूल है, होमवर्क भी करना है मैंने। अब तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है और इधर भाई की सारी जिंदगी दांव पे लगी, शर्म नहीं आई तुझे? आ जाओ जल्दी से। खा खा जा मड़ा, खा खा उकड़ाओ मड़ा, ये देखो इसको, देखो इसको। मैना जी बेस्ट ऑफ लक मैना जी। दरिया खान बच्ची की शादी में उसकी राय लेने का हुक्म तो हमारा मजहब ही देता है ना। बीजाना ना,
हमारे खानदान में शादी का फैसला बुजुर्ग लोग करती। लेकिन जलाल के वक्त में तो ऐसा नहीं हुआ था, क्यों दरिया खान? वह तो सच है मगर बात ये रुसवाई की। क्यों, हमारी मासूमा अच्छी बहू साबित नहीं हुई क्या? वो ना माँ खुदा ने दी हुई लिखना है, ऐसे कब बोले मैं? मासूमा तो अच्छी है लेकिन हमारा इसे का कोटा निकला है। अच्छा खैर छोड़े इस बात को। मैना बेटा तुम बताओ, नसीब खान के साथ ये रिश्ता मंजूर है तुम्हें? बेटा मैना, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हाँ या ना, जवाब तो दो। वो मैना बच्चे बोलो, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, जवाब दो। ओ मैना गुला, क्यों शर्मा रहे? दादी की जगह तुम्हारा कुल के बताओ तुम। चलो बच्चे तुम ये क्यों नहीं कहते है कि वो रिश्ता तुम्हारा मर्जी से हुआ है? बोलो हुआ ना? नहीं पसंद है बदनसीब खान। ओ खुदे फक। ओ जीने दाजी, हमारी मीना का दिमाग इसने खराब किया, इसने, ताकि अपने ससुराल वालों से रिश्तेदारी गहरी कर सके। खुदा ना खास्ता किसी गिरे पड़े खानदान से ताल्लुक तो नहीं है हमारा। और वैसे भी सुबुक्तगीन बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, खानदानी है, पढ़ा लिखा है। दरिया खान आपको सोचना चाहिए ना, अब तो बच्ची आपके सामने कह कर गई है। मुमताज बेगम थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। आपके लिए भी कोई चीज मुश्किल हो सकती है? बहुत हैरानी की बात है दरिया खान। मुमताज बेगम हमने मुश्किल कहा है, नामुमकिन तो नहीं कहे। बस थोड़ा सा उनको हमारे दिमाग से सोचने का टाइम दे वो। हाँ हाँ जरूर सोचिए, दो तीन दिन के बाद जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें आपके लिए चाय भिजवा। ओ देर मेहरबानी, देर मेहरबानी। छोटा सा मजाक था जिया, क्यों दिमाग पर सवार कर रही हो? यार नहीं निकल रही अरसल की बातें दिमाग से। वैसे ऐसा कुछ गलत कहा नहीं उसने? हाँ उसने नहीं कहा है कुछ भी गलत, लेकिन उसने वो भी नहीं कहा है जो मैं सुनना चाहती हूँ। जिया खुले दिल से उसने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है, अब बेहतर यही होगा कि जब तक तुम यहाँ हो उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, उसका ख्याल रखो। शायद अच्छा, मुझे सच में अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, जाकर एडमिट कर लो उसके सामने। मैं क्यों करूं, उसे भी तो समझना चाहिए ना। अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो भी तो प्यार करती हो ना उससे जिया, तो क्यों नहीं जाने से पहले सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देती? कैसे करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन गिन गिन कर गुजार रहा है कि कब मैं यहाँ से जाऊं और कब उसकी जान छूटे मुझसे। ऐसे नहीं कर सकता वो। ऐसा नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो वो कैलेंडर पर दिन काटना क्यों नहीं छोड़ देता है? उसे छोड़े बगैर भी तो जा सकती हूँ ना उमा। क्या हाल है उमा का भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरसल, बस अभी आई, जिया ने फोन करके बुलाया था इसलिए। कुछ चाहिए तुम्हें? नजर ना गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी था गुड्डा दीवाना, सुनो शक्ल देखिए तुम नर्स,
ऐसा लग रहा है उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं कौन सा खुश हूँ? खुशी तो मेरी जान तभी मिलेगी जब तुम दोनों अपने ईगो को साइड पे रखोगे और अपने रिलेशन को बचाओगे। अभी भी वक्त है जिया, बचा लो इस रिश्ते को। करियर तो देखो फिर भी कभी बन जाएगा। तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ शेरी, शेरी मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं आ रहा हूँ वापस इस हफ्ते, तुम फ्लाइट चेक करके जरा बताओ मुझे। अरे इसके अलावा तुम्हारी बीजा ने कभी किया क्या है? अपने खाल की जूतियां भी बनाकर उनको पहना दूं ना, वो तब भी यही करेंगी। वो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। नहीं फोन बंद क्यों कर दिया? कर लो, जितनी बुराइयां तुमने मेरी करनी जरूर करो। मैं क्यों करूंगा बुराइयां? ये काम तो माशाल्लाह आप बहुत बखूबी करती हैं, सबके सामने मुझे लेट डाउन करके। मतलब कब? ये पूछो कि कब नहीं किया। मुझे मालूम है कि तुम्हें गुस्सा है उस रिश्ते वाली बात पर। पूरी दुनिया के रिश्ते तय करवाने का ठेका आप ही ने उठाया हुआ है ना। करवाइए करवाइए, शादियां करवाइए, ब्याह करवाइए। याद है तुम्हें, तुमने भी एक रिश्ता करवाया था, भूल गए क्या? उस बात को छोड़िए, आप इस वक्त तो ये बताइए कि बजाते खुद चलकर आप दरिया खान के कमरे तक गई थी, उन्होंने तो फौरन रिश्ता मान लिया होगा। नहीं, वक्त मांगा है उन्होंने। अरे इतना बड़ा गुनाह, यानी कि आप खुद चल के गई उसके बावजूद वो सोचने का वक्त मांग रहे हैं? तौबा तो। अच्छा बस करो भैया, कब तक ये तंज के तीर बरसाओगे? अब नहीं बरसाऊंगा कोई तीर भी, वापस जा रहा हूं मैं इसी हफ्ते। हमारी तो पसंद की शादी हुई नहीं, बिट्टू मैंने की हो जाए। जा रहे हैं वापस इसी वीकेंड, करवाती रहो तुम शादियां और रिश्तेदारियां और शायद जो मर्जी करो तुम। जिया पुत्र, मेरी पटोली, देख सल्लू की बातों को ना तूने बिल्कुल दिल पे नहीं लेना, तो पागल है लड़का। I'm sorry ताई जी, आप खफा थे। अरे नहीं जिया, माँ प्यो जो होते हैं ना औलादों से कभी खफा नहीं होते, जो कुछ भी करते हैं ना अपनी औलाद की भलाई के लिए करते हैं। सल्लू को ना मैंने चंगा खड़काया, अब दोबारा नहीं करेगा ऐसी हरकत तेरे साथ है। ताई जी थैंक यू, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम दोनों की वजह से। अरे नहीं, क्या हो गया है जिया? देख इंसान से ना कभी कभी गलती हो जाती है, हम लोगों ने भी गलत फैसला कर लिया, पर अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि लकीर पीटते रहे, सर झुका के आगे निकल जाना चाहिए। देख जिया तू हमारी नूह ना सही, इस घर की बेटी तो हमेशा रहेगी, और सल्लू का क्या है उसके लिए तो मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोच ही लूंगी। हाय हाय क्या करिए जिया, दिखा मैं बर्फ लगाऊं? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, मैं चाय डाल देती हूँ। या पुत्र, हम लोग तुम लोगों के माँ प्यो हैं, तुम लोग नहीं हो। निम्मी निम्मी आग तो दोनों साइडों पे लगी है, बस अब अंपड़ जलने का वेट है, वो भी लग ही जाएगा। चाय पी तुम है, इससे तो चलते रहे। बीजान, ये आगा जी अब कौन सा नवा कट्टा खोल के बैठ गए हैं? दरिया खान को उसने कुछ ज्यादा ही सर पर सवार कर लिया। जलाल के दाजी भी तो आपको एक जीप स्टाइल से देखते रहते हैं।
अब वो दोनों अगर रंगीन मिजाज हो बाप बेटा तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे बीजान बुरा ना मनाना, लेकिन चस्के आपने भी पूरे लिए हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो टेंशन मिल रही थी आपको दोनों जानिब से आपने एंजॉय की है ना। शाहना, तुम्हारी जुबान को ज्यादा नहीं चलने लगी? बीजान, जुबान से ज्यादा ना मेरा दिमाग तेज चल रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि अब ये आगा जी वाला कट्टा बांधना कैसे है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है बीजान, लेकिन संगल जो है ना वो जरा मजबूत और मोटा डालना, ये ना आगा जी वाला कट्टा भाग के यूके निकल जाए। मैं जरा जमशेद साहब को देख के आती हूँ। मोरे ना ना मैं ना माँ कमा मोरे खुदे दा पारा मजा का ना खुदे दा पारा सके नजर नजर मत मैं ना मकवा जमाए में उर्दू मैं ना बहुत लगाया ना हाथ तोड़ देगा तुम्हारा हाँ किसको मकवा चुप चाप हमने शमशीर खाना को बोल दिया हमारी फ्लाइट का टिकट कराए हम वापस जाएगा पखावर और दाजी का क्या होगा दाजी का हमको तो लगते जलाल खाना की तरह उनके भी दिल अटक गया है यहाँ पे सीखेगी दिल था कपड़े वपड़े बोले क्या कर रहे तुम यहाँ पे क्या चल रहे दाजी हमने फैसला कर लिया हम अपनी बेटी को लेकर पखावर जाएगा। ओ खुदा पाका तलीवरी खुनी शिवे तुम रहोगे छुए कि अब अपना फैसला तुम खुद करेगा मैं इस कर का बड़ा ओ मीना खड़ा खड़े कपड़े वपड़े खरीद दल था हाँ खुनी शिव ताजी आपने कपड़ा तो निकाल दिया पर हम अपनी बेटी को खानदान से बाहर नहीं निकालेगा हमारा अटूट फैसला अच्छा खूब लिवरेश हुए जब जमा पैसा बची ही कहने चलता ये तस्ता खबर है वो और मजे पागल हो गया तू सही वेदा जी सही कह उठा कि बैंक को ये कपड़ा वो पड़ा पागल है वो चाय बना के उसको बोल भेजे मेरे को खादा जी कौन वजन हम सही वशो अच्छा हुआ है आपके साथ नहीं जाए चुप चाप वो आगा जानना बहुत गुस्से में लग रहे थे सामान पैक कर रहे हैं अपना है? जाके देखो अपना पैक कर रहे हैं या किसी और का किसका देखते हैं चलो मियां एयरपोर्ट पहुंचाओ मुझे वापस जा रहा हूँ अब आप बैठे बिठाए आपको क्या हो गया आगा जी बैठे बिठाए क्या मतलब अपने घर जा रहा हूँ मियां तो ये घर नहीं है क्या क्या जी मुसीबत या तो घर में घुसने नहीं दे रही थी या आप निकलने नहीं दे रही ठीक है जाओ जाने वाले को कौन रोक सकता है तुम भी चले जाओ बाकी सब भी चले जाए चाहे मुझे लग रहा है बीजान का ना बीपी लो हो रहा है मैं मेडिसिन देता हूँ और तुम्हारा बीपी बहुत हाई हो रहा है नजाकत मियां बीजान इस तरह की इमोशनल बातें मत करें मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा आखिर चाहते क्या हो तुम लोग आगा जी आपको अपनी वालिद की जगह समझते हैं आपके जाने का सुन के तकलीफ हो रही है हमें हाँ आगा जान हम चाहते हैं कि आप सारी जिंदगी हमारे साथ रहें ये लो इनकी सुनो जरा हाँ तो दो चार साल ही तो बाकी है कितने साल बाकी हैं बताओ तुझे भी नहीं ये पेशेंट कोई कंफर्म बात थोड़ी आगा जान ऐसे कह रहा था बड़ा आया पेशेंट कोई वाला चलो बात छोड़ गया मुझे जाने दे फिर भी जाओ ना रोको जी भी आगा जान जाऊंगा